ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. तो और वही लोग क्या हाल चाल है यार। अब देखो यार, मैंने हॉट ड्रॉप सेलेक्ट करके रखा था और जो मेरा को रैंडम टीममेट मिला वो, उसको आइडिया था थोड़ा बहुत कि मैं कौन हूँ, लेकिन भाई वो कह रहा था कि सेफ खेलने को। तो मैं कहा यार हॉट ड्रॉप सेलेक्ट करा है तो मतलब हॉट ड्रॉप करेंगे फिलहाल। जो भी वो भाई अपने रास्ते पर निकल गया कहीं सेफ खेलने, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं नोवो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और वो शायद सही भी था क्योंकि नोवो में जिस हिसाब से बंदे उतरे थे ना, मेरे को भी अपने ऊपर एक डाउट हुआ था, लेकिन चलो देखते हैं सर्वाइव कर पाते हैं या फिर नहीं। और हाँ भाई, ये गेम प्ले देखते जाना क्योंकि आपको एक ऐसा हैकर दिखने वाला है ना भाई, पूछो मत, बस वेट करो उसका। फिलहाल जो भी हो, मैंने डिसाइड करा था कि मैं मेन में नहीं कूदूंगा क्योंकि भाई बहुत बंदे आ रहे थे पीछे, तो मैं यहीं पर उतर गया। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को वेपन्स भी मिल गए। अब यहाँ पर मेरे को एक यूजी मिल गई थी और कंटेनर्स पर लड़ाई हुई थी, और भाई बस देखते जाओ। अब भाई मैंने एक को नॉक करा और नॉक होते होते उसने दूसरे को नॉक कर दिया, तो मतलब भाई कसम से मजा आ गया इधर। अब फ्री में मेरे को दो किल्स मिलने वाले थे, तो मेरे पास ना हेलमेट थी ना वेस्ट, सिर्फ एक उसी थी। मैं रुका बिल्कुल भी नहीं क्योंकि एक फ्री की किल थी भाई, और फ्री का मालूम छोड़ते नहीं। अब एक ने तो बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दी थी, गन एंड फेंक दी थी, लेकिन मैंने जल्दी से गन उठाई और सामने की तरफ फायरिंग हुई थी, तो मेरे को लगा यहाँ से भी मैं किल्स उठा सकता हूँ। अब मैं जैसे ही पहुंचा यार वो मर गया, ठीक। तो मेरे को पता था उसको जिसने फिनिश कराया है वो सामने, और वो मेरे को दिखा भी, लेकिन मैंने बिल्कुल फायर नहीं करा क्योंकि मैं ओपन में था भाई। तो मैंने अभी इग्नोर करा क्योंकि मेरे को पता था मेरे सामने एक बंदा है। अब इसको मैंने जैसे ही मारा, मेरे को पता था कि ये लाइन पूरी क्लियर है, तो इधर मैं आराम से भंडिया सकता हूं। लेकिन जिस बंदों से ये बंदे लड़ रहे थे, जो कि कंटेनर से फायर कर रहे थे, वो अब मेरे को नहीं दिख रहे थे। अब यहाँ पर मैं रिग्रेट कर रहा था कि मेरे को उस टाइम उसको नॉक कर देना चाहिए था, लेकिन मेरे पास हेलमेट वेस्ट भी नहीं था, तो मैं रिस्क उस टाइम नहीं लिया। मैं इस टाइम डबल माइंडेड था कि मैंने सही करा कि गलत करा। अब फिलहाल जो भी हो, ये एक बॉट था, इसको मैंने मार दिया, लेकिन यहाँ से खेल शुरू हुआ। जो बंदे कंटेनर्स पास थे ना, वो घूम के चले गए घरों की तरफ, ऊंचे वाले घरों की तरफ, और वहाँ से लगातार बॉट फायर दे रहे थे। बॉट फायर क्या दे रहे थे, इतना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था कि कॉल दे रहे थे वो कि आओ दम है तो लड़ो। अब देख रहे हो लगातार वो लोग डीगल ईगल से फायर कर रहे थे, एक बंदा तो लगातार फायर कर रहा था डीगल से ताकि कोई अट्रैक्ट हो उनकी तरफ, लेकिन भाई मतलब अब इतना भी प्रेडिक्टेबल ना हो वरना कौन ही आएगा, लेकिन भाई मैं तो आऊंगा। अब कुल मिला के मैं जैसे यहाँ पर आया, मेरे को बालकनी में एक बंदा दिख गया, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसे मेरी प्रेजेंस का अंदाजा हो, क्योंकि बान हाउस वगैरह के पास उन्होंने गाड़ी वाड़ी लगा के मामला सेट कर रखा था, और मैं जानता था अगर मैंने यहाँ पर ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी तो मैं ठुक जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर पेशेंस रखा क्योंकि मेरे को पता था कि नोवो में अभी भी एक टीम बच रही है, और उनके बीच में अगर क्लैश हुआ तो बीच में सारी किल मैं उठाऊंगा। अब मैं यहाँ पर पूरा पेशेंस के साथ बैठा हुआ था और वो लगातार फायर करे पड़े थे। आप मैप पे देख सकते हो भाई, लगातार बॉट फायर दिए जा रहे थे लोग। अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि यहाँ पर टीम अप वेम अप चल रहा है क्या, क्योंकि मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे को लग नहीं रहा था कि यहाँ पर दो बंदे। फिलहाल जो भी हो, इधर लड़ाई, और मैं समझ गया कि नोवो वालों ने इधर पुश कर दिया है। अब मेरे को दो बंदे अंदर दिखाई दे रहे थे और मैं फायर भी करके एक नॉक कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर फिलहाल इग्नोर करा क्योंकि यही मेरा काम आसान करते अगर ये अंदर किसी को फिनिश या नॉक करते। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ भाई, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि दो बंदे थे जिन पे मैंने पहले फायर कराया, एक बंदा पीछे से आया, मैंने उस टीम का एक बंदा नॉक कराया जो लास्ट में फायर कर रहा था, इसको मारा, और मतलब अभी देखते जाओ, मतलब कुल मिला के वो बंदा डायरेक्ट मारा था जिसका मैंने लास्ट में मारा, तो यहाँ पर दो डुओ खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक डुओ बचा हुआ है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। अब यहाँ पर हो सकता है मैंने किल फीड गलत रीड करी हो, है ना, लेकिन भाई देखो यहाँ पर दो डब्बे पड़े हुए हैं, ठीक, मतलब एक बंदा तो यहाँ से स्केप करा था, कैसे करा वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर रगड़ने की आवाज आ रही थी। अब अंदर भी एक डिब्बा पड़ा हुआ था। तो
तो ये देख के मैंने सोचा था कि शायद एक ही बंदा बच रहा है, जबकि पीछे एक था। वो देखो मैंने जल्दी से घूमा और उसको भी फिनिश कर दिया, लेकिन भाई कुछ हिसाब किताब समझ भी नहीं आया आखिर यहाँ पर कितने बंदे थे, कौन किससे मरा। लेकिन मेरे को एक बात पता थी कि मैंने काफ़ी सारे किल इधर उठा लिए। अब जो भी, उसके बाद मेरे साथ सामने एक डब्बा गिर रहा था तो हमने इनकी गाड़ी ले ली। अपना टीममेट भी आ गया था, जो भी हो उसको मेरे पर शायद भरोसा हो गया था तो यहाँ पर आ गया, तो हम डब्बा लूटने आए। लेकिन यहाँ पर मेरे को कुछ सही शॉट फीलिंग नहीं आ रही थी, मतलब लग रहा था दाल में कुछ तो काला है। तो मैंने गाड़ी घुमा ली, मैंने सीधा नहीं कुछ छोड़ा क्योंकि मेरे को रिस्की लग रहा था। मैंने डिसाइड करा कि पहले हम लोग घर चेक कर लेते हैं, कहीं घर पर ना हो, हमको बैक स्टैप हो जाए। तो मैंने घर के बहुत करीब से गाड़ी निकाली रिस्क लेके, लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं। लेकिन अब भी मेरे को शक था क्योंकि दो गाड़ियाँ बहुत ही करीब खड़ी थी, लग तो रहा था कि स्पॉन्ड है लेकिन बहुत ही ज़्यादा करीब थी। तो मैंने पहले यहाँ पर गाड़ी रोकी क्योंकि मैं चेक करना चाहता था। भाई देखो, कभी भी आपको अगर दूसरे थॉट्स आ रहे हैं ना, आप कन्फर्म नहीं हो, तो भैया हमेशा चेक करके आगे जाओ क्योंकि आमतौर पर थर्ड पार्टी हो ही जाओगे। और यही होता है फायदा पेशेंस रखने का और चेक करने का। मेरे को एक बंदा दिखा जिसको मैंने नॉक कर दिया। अब क्योंकि ये नॉक हुआ था तो मतलब इसका एक बंदा अभी बच रहा था जो कि मेरे को पुल पे नहीं दिखा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एग्रेसिव होना डिसाइड करा क्योंकि भाई देखो एक नॉक था उनका, हम दो थे, तो अगर अपन अभी नहीं रश करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो हमने रश कर दिया, लेकिन इसका ये बंदा लास्ट वाला तो कतई सरप्राइज पैकेज था। भैंस यहाँ की बिल्कुल भी नहीं दिखा कि यहाँ पर होगा, जो भी अपने टीममेट ने इसको ठोक दिया। तब रैंडम टीममेट्स के लिए निकालने लगे तो फिर तो भैया मतलब चिकन डिनर ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है और आपका गेम प्ले भी नहीं बनेगा, ये भी कंफर्म हो जाता है। अब जो भी उस डब्बे में ऑफ थे और इस डब्बा, ये एक और डब्बा यहाँ पर गिरा था, इसमें हम लोग को मिल गई डीपीएस जो कि मेरे को नहीं चाहिए थी। जोन हम पे नहीं था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर यहाँ पर आके चेक करो, एक गाड़ी दिखाई दी बट मैं प्रोन ही नहीं हो पाया। अब ये प्रोन ना हो पाने के चक्कर में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ और टीममेट ने हक दिया टोटली, तो वो बंदा एस्केप कर गया। अब मेरे को पता था वो हमको दिखने वाला है नहीं और यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जोन आ चुका था। तो हमने गाड़ी चेंज करी और सीधा जोन के लिए गए। लेकिन भाई अब यहाँ पर आपको दिखेगा सदी का सबसे बड़ा हैकर, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हैक्स कैसे यूज करते हैं, बस देखते जाओ। यहाँ पर हमको एक बंदा दिखा जो हमको देख कर प्रोन हो गया। अब मैंने गाड़ी चढ़ा के इसको नॉक कर दिया और इसका शायद नाम मुन्ना भाई था, लेकिन एकदम से इस पर माता आ गई। भाई ये बंदा देख रहे हो क्या ही स्पीड से भाग रहा, मतलब टीममेट भी यहाँ मजा ले रहा था। टीममेट ने पूरे टाइम कुछ नहीं बोला था, यहाँ पर बोलेगा और यह कर है। अब जो भी हो, एक चीज नोटिस करी, मतलब इस हैकर ने पहले बिल्कुल हैकर नहीं लगाए, ये सेफ होकर खेल रहा था और जैसे ये नॉक हुआ इसने स्पीड हैक लगा लिया। आई डोंट नो यार आजकल क्या टैक्टिक्स चल रहे हैं हैकर्स के, लेकिन ये थोड़ा अजीब और गरीब था। फिलहाल अपना टीममेट भी पता नहीं कौन सा वॉइस पैकेज लगा के आया था, कोई रशिया वशिया की बोली बोल रहा था ये वॉइस में। फिलहाल जो भी हो, एक और डब्बा गिरा था और मैं उसको चेक करने आए। और यहाँ पर भाई मैं पहले चेक कर रहा था कि कोई बंदा हो ना, क्योंकि मैं एक बात जानता था कि अपना टीममेट ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो हमने डब्बा डब्बा चेक करा, उसमें भी ऑक थी जो कि मैंने नहीं उठाई। उसके बाद मैं जाने लगा कि तभी टीममेट ने एक मार्क लगाया और उस मार्क पे थी एक फ्लेयर ड्रॉप। अब भाई साहब अपनी किस्मत यहाँ पर खुल गई क्योंकि फ्लेयर पे तो बंदे थे गारंटीड, लेकिन फ्लेयर वालों के ऊपर कोई एसकेएस चलाने लगा। तो मैंने जल्दी से एक नॉक करने की कोशिश करी। अब मैंने एक नॉक तो निकाल दिया था लेकिन एसकेएस वाले पहाड़ी से एकदम किल चुराने के मूड में थे, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैंने गाड़ी उठाई और सीधा रश कर दिया। अब मेरे को पता था कि नॉक वाले को रैप मिल चुका है लेकिन हेल्थ उसने नहीं लगाई होगी और मेरी एक गोली से वो नॉक हो गया, तो मतलब दूसरा जो बच रहा था उसके पास पूरी हेल्थ थी। फिलहाल ये बंदा एसकेएस वाले से बच रहा था और मेरे को पता चल गया वो कहां पर है। भाई अगर इनिमी की गन दिख जाए ना तो बहुत हेल्प मिलता है क्योंकि पता चल गया कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर, और मैं उसे नॉक कर दिया। अब क्योंकि जब वो मार रहे थे तो डबल फायरिंग हुई थी, तो हमको इतना तो अंदाज़ा था कि ये दोनों जो बंदे थे ये एक ही तरफ थे, तो बस मेरे को जाके दूसरे वाले को मारना था। टीममेट लूटने में व्यस्त था और मैं अकेले हैंडल कर सकता था। और भाई इजी दो किल, दो क्या बल्कि इजी इजी चार किल। अब मेरे को ओम M249 मिल गई
तो मैं तो बहुत खुश था। फिलहाल आप लोग मेरे को एक बात बताना कि जो लोग वॉइस पैक यूज करते हैं, वो जो क्विक मैसेज होते हैं, उसके लिए इसके लिए मतलब स्क्रिप्ट वगैरह शायद चेंज करनी पड़ती है, तो क्या इससे अकाउंट बैन होता है या फिर नहीं? क्योंकि मेरे को वो जैपनीज में जो लॉली वॉइस थी वो कतई फनी लगती थी। मतलब ये सब करने से अकाउंट हैक होता है कि नहीं, क्योंकि आप स्क्रिप्ट से छेड़खानी कर दो करते हो, तो ये चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल हम लोग जोन से किसी तरीके से बच के आए थे, लेकिन हम लोग को पीछे गाड़ी भी दिखी थी जो कि हमको चेस डाउन कर रही थी, तो मैंने जल्दी से गाड़ी यहाँ पर रोकी। और मेरे को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि मेरी M249 पे 6x है, जो कि 3x भी नहीं बना। अब फिलहाल फुल 6x से जो भी स्प्रे करा, लेकिन मैंने उसको लिट तो कर दिया था, मेरे को एक बात पता थी, और वो गाड़ी लेके भाग गया नीचे। अब यहाँ पर मेरे को एक बात पता चल गई कि आगे वाले घरों में, मतलब याले नहीं, जो आगे पुल के पास जो घर है वहाँ पर कुछ बंदे हैं, क्योंकि उधर से फायर हुआ था, तो मैं ही पर प्रोन हो गया क्योंकि मेरे को हेल्थ वगैरह लगानी थी। अब यहाँ पर मैं M249 रिलोड कर रहा था, लेकिन यहीं पर तभी मेरे को साउंड आने लगा, और मेरे को ऐसा लगा कि जो गाड़ी से बंदा गया था वो पलट के वापस आया। अब यहाँ पर किस्मत खराब थी कि वो ऊपर आया नहीं कम्प्लीटली और नीचे जाकर ठुक गया। अब मैंने एक नॉक निकाला था, बट मैं फिनिश बिल्कुल नहीं कर पाया। अब मैंने एक मॉली करा किल कंफर्म करने के लिए, लेकिन हरामखोर पीछे वालों ने मेरा किल निकाल ले गया, तो मतलब मेरा किल यहाँ पर चोरी हो चुका था। और अब यहाँ रुक भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे को जोन में जाना था, और बाइक बहुत पीछे थी और टीममेट भी आगे आ चुका था, तो कुल मिला के अब हमको पैदल ही जोन में जाना था, तो मैं रिस्क लेने लगा, लेकिन टीममेट नॉक हो गया यार। अब यहाँ पर मैं टीममेट को बचाने के लिए ओपन में खड़ा होकर फायर करा, मैं नॉक भी नहीं निकाल पाया, प्लस मेरे ऊपर 6x से स्प्रे हुआ और मैं काफ़ी डैमेज हो गया, तो मेरे को यहाँ पर आना पड़ गया, और मैं टीममेट को बिल्कुल भी बचाने के कंडीशन में नहीं था, और टीममेट फिनिश हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बात जानता था कि मैं जोन में पहुँचने से रहा, क्योंकि बीच में एक रोड पड़नी है और मैं जा नहीं पाऊंगा, तो मेरे को कुछ भी करके एक नॉक फिनिश निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया क्योंकि जोन पीछे आ रहा था और मैं जोन का डैमेज नहीं ले सकता था। सैड लाइफ, कुछ हाथ में था ही नहीं।